प्लस टू इज इक्वल टू जीरो। तो ये आपका रिक्वायर्ड इक्वेशन हो गया। हमें प्लेन वन की इक्वेशन गिवन है, प्लेन टू की इक्वेशन गिवन है। वी नीड टू फाइंड आउट द इक्वेशन ऑफ अ प्लेन विच इज पासिंग थ्रू द लाइन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दीज टू प्लेन। तो दैट इज गिवन बाय पी वन प्लस लैमडा टाइम्स पी टू इक्वल टू जीरो। डी क्योंकि हमारा लेफ्ट हैंड साइड पे है, तो राइट हैंड साइड पे हमने डी वन प्लस लैमडा टाइम्स डी टू नहीं लिया है। नाउ वी आर टू सिंपली पुट द वैल्यूज। सो फर्स्ट प्लेन 3x माइनस वाई प्लस 2z। भूमिका म्यूट योर सेल्फ बेटा। प्लस 2z माइनस 4, ये हो गया आपका पी वन। यहाँ पे ध्यान देना है ये इक्वल टू जीरो यहाँ नहीं लेना, ठीक है? ओनली द लेफ्ट हैंड साइड यू आर टू टेक। देन प्लस लैम्डा एज इट इज। अब पी टू की लेफ्ट हैंड साइड लिख देंगे एक्स प्लस वाई प्लस जेड माइनस टू, एंड दिस इज इक्वल टू जीरो। तो ये हो गई आपकी पी वन प्लस लैम्डा टाइम्स पी टू इक्वल टू जीरो। अब हमने क्या करना है, एक्स वाली टर्म्स इकट्ठी, वाई वाली इकट्ठी, जेड वाली इकट्ठी, कॉन्स्टेंट्स इकट्ठी। एक्स वाली क्या क्या है, थ्री एंड वन है यहाँ पे। जब आप इसको लैम्डा से मल्टीप्लाई कर दोगे तो दैट विल बी वन लैम्डा। तो ये हो गया हमारा थ्री प्लस लैम्डा इंटू एक्स। डायरेक्ट करना ना आए तो एक स्टेप और कर लो, यहाँ पे इसको खोल लो और फिर एक्स कॉमन ले लो। देन नेक्स्ट वाले में माइनस वाई है तो माइनस वन हो जाएगा इसका कोफिशियंट। प्लस वन इंटू लैम्डा इज प्लस लैम्डा, y कॉमन। अब z लेंगे, z का कोफिशियंट हेयर इज टू, हेयर इट इज वन। वन इंटू लैम्डा इज प्लस लैम्डा इंटू z, हेयर इट इज माइनस फोर प्लस लैम्डा इंटू माइनस टू इक्वल टू जीरो। यहां तक जब भी लाइन ऑफ इंटरसेक्शन वाले क्वेश्चन आएंगे सेम कंसेप्ट है। इसके बाद चेंज होता है हमारा डिपेंडिंग ऑन द कंडीशन कि हमें क्या गिवन है। जैसे इस केस में हमें गिवन है जो हमारा रिक्वायर्ड प्लेन है दैट इज पासिंग थ्रू टू टू वन। अब ये मेरे पास प्लेन की इक्वेशन आ गई। नाउ दिस इज पासिंग थ्रू द पॉइंट टू टू वन। अब जब एक प्लेन जो है वो एक पॉइंट से पास करेगा, इट मीन्स वो पॉइंट जो है दैट इज लाइंग ऑन द प्लेन। अब वो प्लेन पे लाई कर रहा है मींस उसकी जो इक्वेशन है वो उसको भी सेटिस्फाई करेगा। तो इट मींस अगर हम यहाँ पे टू टू वन को पुट करते हैं तो हमारा रिजल्ट जो है वो सेटिस्फाई होना चाहिए, क्योंकि ये पॉइंट जो है दैट इज लाइंग ऑन द प्लेन। तो एक्स वाई जेड को टू टू वन पुट करके वी विल गेट द वैल्यू ऑफ लैम्डा। लैम्डा की जो वैल्यू आएगी हमारे पास वो चाहे यहाँ पुट करो चाहे यहाँ पुट करो, सिंप्लीफाई करके यू विल गेट योर आंसर। सो सिंस पॉइंट टू कॉमा टू कॉमा वन लाइज ऑन रिक्वायर्ड प्लेन, देयरफॉर थ्री प्लस लैम्डा इंटू एक्स की जगह टू, माइनस वन प्लस लैम्डा इंटू वाई की जगह अगेन टू प्लस लैम्डा इंटू जेड जो है दैट इज वन प्लस ये एज इट इज। आप चाहो तो यहां से माइनस टू कॉमन भी ले सकते हो। अब सिंप्लीफाई करो इसको एंड फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ लैम्डा। सो दिस इज सिक्स प्लस टू लैम्डा माइनस टू प्लस टू लैम्डा प्लस टू प्लस लैम्डा माइनस फोर माइनस टू लैम्डा इक्वल टू जीरो। अब जो आपकी कैंसिलेशन हो रही है कैंसिलेशन कर दो, माइनस टू प्लस टू प्लस टू लैम्डा माइनस टू लैम्डा। सो वी आर लेफ्ट विद थ्री लैम्डा प्लस टू इक्वल टू जीरो। सो यहाँ से आ जाएगा आपका लैम्डा इज इक्वल टू माइनस टू बाई थ्री। लैम्डा आ गया हमारे पास माइनस टू बाई थ्री। अब इस लैम्डा इक्वल माइनस टू बाई थ्री जो है वो पुट कर दो, चाहे यहाँ पे पुट करो चाहे यहाँ पे, सिंप्लीफाई आपको करना पड़ेगा एंड यू विल गेट द रिक्वायर्ड इक्वेशन। पुट लैम्डा इक्वल टू माइनस टू बाई थ्री इन इक्वेशन वन। इसको जल्दी से सिंप्लीफाई करो और मुझे बताओ कि व्हाट इक्वेशन यू आर गेटिंग, व्हाट इक्वेशन ऑफ प्लेन यू आर गेटिंग फ्रॉम दिस। बी क्विक, लैम्डा की वैल्यू पुट करो एंड टेल मी द आंसर।
लैम्डा पुट करना है आपने इक्वेशन वन में, दिस इज योर इक्वेशन वन। देखो हर एक में अपॉन थ्री है, तो अपॉन थ्री वाला जो है एलसीएम लेके आपका राइट हैंड साइड पे जीरो हो जाएगा, सो जो आपका न्यूमिरेटर आएगा दैट विल बी योर आंसर। एनी वन ऑफ यू कैन टेल। देखो यहाँ पे थ्री थ्री आर 9 माइनस 2 7x हो जाएगा, -3 माइनस 2 -5y हो जाएगा, 3 2 आर 6 माइनस 2 +4z हो जाएगा, एंड हेयर इट विल बी -12 +4 -8। अपॉन में हर एक के अपॉन में 3 था तो ये उधर जाके दिस विल बी इक्वल टू जीरो। सो रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ द प्लेन इज 7x -5y +4z -8 इक्वल टू जीरो। सो दिस वाज योर क्वेश्चन नंबर 9। नाउ मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में वी आर हैविंग फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ द प्लेन पासिंग थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ द प्लेन्स आर डॉट 2i +2j -3k कैप इक्वल टू 7, आर डॉट 2i कैप +5j कैप +3k कैप इक्वल टू 9 एट द पॉइंट 2 1 3। सेम प्रोसीजर है, द ओनली डिफरेंस इज कि इसमें जो हमें इक्वेशन ऑफ प्लेन गिवन है दैट इज गिवन इन द फॉर्म ऑफ वेक्टर। वेक्टर इक्वेशन गिवन है, तो वेक्टर इक्वेशन के लिए व्हाट वी विल डू, सेम कंसेप्ट है, और आर डॉट p1 प्लस लैम्डा टाइम्स p2 इक्वल टू आप ले लोगे d1 प्लस लैम्डा टाइम्स d2, क्योंकि राइट हैंड साइड पे आपको वो गिवन है, एंड जो r है उसको आप रिप्लेस करोगे एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप से, एंड देन आप उसको सिंप्लीफाई करोगे। अदरवाइज व्हाट यू कैन डू कि इसको आप पहले कार्टेशियन फॉर्म में कन्वर्ट करके देन यू कैन प्रोसीड द प्रीवियस मेथड, जैसे आपको कन्वीनियंट लगे यू कैन गो फॉर दैट। सो फर्स्ट जो है मुझे गिवन है, मैं डायरेक्ट लिख रही हूँ इसको, आर डॉट, दोनों का आर डॉट इकट्ठा हो गया, देन p1 प्लस लैम्डा टाइम्स p2 होता है हमारे पास, तो p1 का ये आ गया हमारे पास 2i कैप प्लस 2j कैप -3k कैप प्लस लैम्डा टाइम्स सेकंड वाले का है हमारे पास 2i कैप प्लस 5j कैप प्लस 3k कैप, एंड दिस इज इक्वल टू 7 है और 9 है। फर्स्ट वाले प्लेन में हमें 7 गिवन है, सेकेंड वाले प्लेन में हमें डिस्टेंस 9 गिवन है, तो दिस विल बी 7 प्लस 9 लैम्डा। अब हमने क्या करना है, यहाँ पे आर डॉट को हमने पुट कर देना है, दैट विल बी एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। इसका डॉट प्रोडक्ट विद आई वाली टर्म्स इकट्ठी, देन जे वाली 2 प्लस 5 लैम्डा, एंड देन के वाली -3 प्लस 3 लैम्डा। अब आई कैप वाला आई कैप के साथ, एक्सक्यूज मी, जे कैप वाला जे कैप के साथ, के कैप वाला के कैप के साथ, सो दिस विल बी 2 प्लस 2 लैम्डा इंटू एक्स प्लस 2 प्लस 5 लैम्डा इंटू वाई प्लस -3 प्लस 3 लैम्डा इंटू जेड इज इक्वल टू 7 प्लस 9 लैम्डा। नाउ यू आर गिवन दैट द प्लेन इज पासिंग थ्रू द पॉइंट
2, 1, 3, x को 2 से रिप्लेस करो, y को 1 से, z को 3 से, एंड सेम स्टेप्स यू आर टू फॉलो दैट यू हैव डन इन द प्रीवियस क्वेश्चन. सो दिस क्वेश्चन यू विल कंप्लीट योरसेल्फ एंड लेटर ऑन इन द आंसर अगेन द आंसर, क्योंकि इसने फाइंड द वेक्टर इक्वेशन कहा है तो r डॉट की फॉर्म में आप लेंगे, ये ध्यान रखो. तो r डॉट जो भी आपके x y z के कोफिशिएंट्स होंगे उनको आप i कैप j कैप k कैप की फॉर्म में लिख दोगे एंड दैट इज इक्वल टू डिस्टेंस. डिस्टेंस पॉजिटिव बनाना है, ये ध्यान रखिएगा. सो दिस वाज योर क्वेश्चन नंबर 10 दैट यू आर टू कंप्लीट योरसेल्फ. नाउ मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 11. अब क्वेश्चन नंबर 11 में है इसी टाइप का, बट जो हमारी कंडीशन लगेगी दैट विल बी डिफरेंट, क्योंकि यहाँ पे हमें आगे क्या गिवन है. ठीक, तो इसमें कंडीशन जो है हमारी वो क्या चेंज है कि जो रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ प्लेन है, मतलब जो हमारा रिक्वायर्ड प्लेन है दैट इज परपेंडिकुलर टू सम थर्ड प्लेन. ठीक है, तो ये ध्यान रखना है. अब यहाँ पे ये वाला कंसेप्ट नहीं लगेगा, तो कंसेप्ट हमारा चेंज हो जाएगा. हमें ये पता है कि व्हेनेवर वी आर हैविंग टू प्लेन्स एज परपेंडिकुलर, तो उनके जो डायरेक्शन रेशियोज कॉरेस्पॉन्डिंग डायरेक्शन रेशियोज का प्रोडक्ट है दैट विल बी इक्वल टू जीरो. ए वन ए टू प्लस बी वन बी टू प्लस सी वन सी टू इक्वल टू जीरो. तो इट मीन्स सबसे पहले हमें जो है रिक्वायर्ड इक्वेशन है प्लेन की वो निकालनी पड़ेगी. So that will be given by, this is your question number 11, P1 plus lambda times P2. So first plane हमें given है x plus y plus z. अब यहाँ पे देखो distance जो है वो आपका right hand side पे given है, तो you can do one thing, या तो इसको as it is ले लो, या other thing you can do is bring the distance to the left hand side, जैसे आपको convenient लगता है. You can go for that method. So x plus y plus z, मैं इसको left hand side पे ले आई हूँ. ये हो गया हमारा p1 plus lambda times p2 is 2x plus 3y plus 4z minus 5 and this is equal to 0. ये मेरी required equation है and this is perpendicular to the plane x minus y plus z equal to 0. तो अब मुझे सबसे पहले इसको x y z की फॉर्म में लिखना है. तो दैट विल बी गिवन बाय, यहाँ x का कोफिशिएंट 1, हेयर इट इज 2 लैम्डा, तो ये हो गया 1 प्लस 2 लैम्डा इनटू x, देन 1 प्लस 3 लैम्डा इनटू y, देन अगेन 1 प्लस 4 लैम्डा इनटू z प्लस माइनस 1 माइनस 5 लैम्डा. तो आप चाहो तो माइनस कॉमन भी ले सकते हो एंड दिस इज इक्वल टू 0. अब ये वाला जो प्लेन है दैट इज परपेंडिकुलर टू दिस प्लेन. इफ बोथ द प्लेन्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर देन द कॉरेस्पॉन्डिंग डायरेक्शन रेशियोज का प्रोडक्ट विल बी इक्वल टू 0. तो x वाला कोफिशिएंट x के साथ, y वाला कोफिशिएंट y के कोफिशिएंट के साथ, z वाला कोफिशिएंट z के कोफिशिएंट के साथ मल्टीप्लाई एंड दैट इज इक्वल टू 0. Since planes are perpendicular, therefore 1 plus 2 lambda है इसका direction ratio, उधर से direction ratio is 1, then इसका direction ratio 1 plus 3 lambda, उधर से direction ratio is minus 1, इसका डायरेक्शन रेशियो 1 प्लस 4 लैम्डा, दैट डायरेक्शन रेशियो इज 1 इक्वल टू 0. यूजिंग अब सिंप्लीफाई करके वी विल गेट द वैल्यू ऑफ लैम्डा. One and minus one will get cancelled. Two minus three is minus one lambda. Plus four lambda is three lambda. Plus one is equal to 0. So lambda आ गया हमारे पास minus 1/3. Lambda की value again यहाँ पे put करेंगे and we will get our answer.
दिस क्वेश्चन यू आर टू कंप्लीट योर सेल्फ. बस यहाँ पे आपने ये ध्यान रखना है, हमें क्या गिवन था, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द प्लेन पासिंग थ्रू द लाइन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दिस एंड परपेंडिकुलर टू दिस थर्ड प्लेन. तो हमने क्या किया, रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ प्लेन निकाल ली P1 प्लस लेमडा टाइम्स P2 से. अब ये रिक्वायर्ड प्लेन जो है ये P3 के परपेंडिकुलर था, तो दोनों के कॉरेस्पॉन्डिंग डायरेक्शन रेशियोज का प्रोडक्ट विल बी इक्वल टू जीरो बिकॉज बोथ ऑफ दीज आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर. एक्चुअल में जो ये प्लेन की इक्वेशन आपको गिवन होती है इसमें ये नॉर्मल के डायरेक्शन रेशियोज होते हैं, तो वट एवर विल बी द एंगल बिटवीन द नॉर्मल ऑफ बोथ द प्लेन्स दैट सेम विल बी द एंगल बिटवीन द बोथ प्लेन्स. तो हमने नॉर्मल्स के बीच में एंगल निकाला तो सेम एंगल विल बी बिटवीन द प्लेन्स. तो उसके लिए हमने क्या किया, उनके जो कॉरेस्पॉन्डिंग डायरेक्शन रेशियोज का प्रोडक्ट इक्वल टू जीरो पुट किया क्योंकि परपेंडिकुलर हमें गिवन थे. लैम्डा की वैल्यू आ गई. अब ये लैम्डा की वैल्यू आप यहाँ इक्वेशन 1 में पुट करोगे तो यू विल गेट द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ द प्लेन. सो दिस वाज योर क्वेश्चन नंबर 11. इफ एनी डाउट इज देयर इन दिस क्वेश्चन यू कैन आस्क, अदरवाइज वी आर मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 12. कोई डाउट हो इसमें तो यू कैन आस्क. तो इस तरह के क्वेश्चंस की आपने प्रैक्टिस करनी है. अभी इसमें और भी कंडीशंस हैं, पहले इस तरह के क्वेश्चंस की करोगे प्रैक्टिस. मिसलेनियस एक्सरसाइज में और काफी क्वेश्चंस गिवन है इसके, तो दैट यू विल डू द प्रैक्टिस फॉर दैट क्वेश्चंस. और उसके बाद सैम्पल पेपर्स में कुछ और डिफरेंट काइंड्स हैं. रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ प्लेन निकालनी है पासिंग थ्रू द लाइन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ प्लेन्स. कंडीशन जो यहाँ परपेंडिकुलर है, पहले वाले में हमारे पासिंग थ्रू दिस पॉइंट थी, वो कंडीशंस थोड़ी सी चेंज करके क्वेश्चन जो है उनमें वेरिएशंस की गई है, तो दैट कंडीशंस यू आर टू टेक केयर ऑफ. अब क्वेश्चन नंबर 12 में हमें गिवन है फाइंड द एंगल बिटवीन द प्लेन्स हुज वेक्टर इक्वेशंस आर. अब एंगल बिटवीन द प्लेन्स हमने निकालना है, तो कॉस थीटा वाला आप कंसेप्ट लगा लोगे. हमें क्या गिवन है यहाँ पे, आर डॉट 2i कैप प्लस 2j कैप माइनस 3k कैप इक्वल टू 5 एंड आर डॉट 3i कैप माइनस 3j कैप प्लस 5k कैप इक्वल टू 3. तो इट मीन्स आर डॉट n इज इक्वल टू d वाली फॉर्म ये हमें गिवन है. तो जो इसके नॉर्मल्स के बीच में एंगल होगा द सेम विल बी द एंगल बिटवीन द प्लेन्स. तो नॉर्मल्स के बीच में हम सिंपली एंगल निकाल लेते हैं. फर्स्ट जो नॉर्मल हमें गिवन है दैट इज 2i कैप प्लस 2j कैप माइनस 3k कैप और जो सेकेंड नॉर्मल हमें गिवन है दैट इज 3i कैप माइनस 3j कैप प्लस 5k कैप. तो नॉर्मल्स के बीच में एंगल कॉस थीटा इज इक्वल टू इनका डॉट प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय देयर मैग्नीट्यूड. सो दिस इज 3 2s are 6 माइनस 6 माइनस 15 अपॉन इनके मैग्नीट्यूड्स 2 स्क्वायर 4 2 स्क्वायर 4 माइनस 3 स्क्वायर 9 एंड हियर 3 स्क्वायर 9 3 स्क्वायर 9 5 स्क्वायर 25. तो दिस विल गेट कैंसल्ड. वी आर टू फाइंड आउट द एक्यूट एंगल. हमने एक्यूट एंगल जो है वो फाइंड आउट करना है. सो दिस इज कॉस थीटा इज इक्वल टू माइनस 15 अपॉन अब ध्यान रखना है क्योंकि फाइंड द एंगल कहा तो हमें थीटा जो है वो निकालना है. तो थीटा यानी कि कॉस इनवर्स की फॉर्म में यू विल गिव द आंसर एंड मॉड्यूलस हटा के दिस विल बी पॉजिटिव. सो कॉस थीटा थीटा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स 15 अपॉन √731. सो दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 12. माइनस 15 अपॉन √731 भी लिख दोगे देन ऑल्सो दिस विल बी करेक्ट. उसमें वो आपका एंगल जो है फोर्थ क्वाड्रेंट का काउंट कर थर्ड या सेकंड क्वाड्रेंट का काउंट हो जाएगा यानी कि ऑब्ट्यूज एंगल वो काउंट हो जाएगा. तो दैट विल ऑल्सो बी करेक्ट. तो इन बोथ ऑफ द वेज यू कैन गिव योर आंसर. सो दिस वॉज योर क्वेश्चन नंबर 12.
and 14 questions you can try at home. If you will be able to do them, then it will be fine. Otherwise, we will discuss them tomorrow as the time is over. So thank you. Have a nice day. If any doubt is